सर कैसे लगी? टूट गए यार, दिल टूट गया। लेकिन अब टाइम आ गया है कि बस बदला लिया जाए, नहीं तो ये देश नहीं रह सकता। सारी नाश की जड़ ये नेहरू था, जिसने धारा 370 लगाई थी, और वो खुद दोगला इंसान था। सारी नाश की जड़ ये नेहरू था। हिंदू बन के जीना ही पड़ेगा, वरना कल ये हमें देखना ही पड़ेगा। ये जरूर अभी आग हमारे घर तक नहीं पहुंची है, इसलिए लोग मजे से जी रहे। ये 10-20 साल में ये एक एक घर में आग पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, और फिर हर हिंदू ऐसे ही होगा। सर कैसे लगी? टूट गए यार, दिल टूट गया। अच्छा सर, क्या अच्छा लगा आपको? कुछ भी अच्छा नहीं लगा, मतलब बहुत खतरनाक मूवी बनाई है जिसने बनाई है, दिल टूट गया यार। कैसे लगी मूवी? सच्चाई दिखाई है। बिल्कुल। क्या पसंद है आपका? मतलब जो पंडितों के साथ हुआ ना, मतलब बहुत बुरा हुआ, और गवर्नमेंट जितने भी मतलब सरकारें थी उस समय, बिल्कुल किसी का ध्यान गया ही नहीं इसके प्रति, मतलब क्या बोलते हैं, और ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं, अपने राजनीति करने के लिए सब राजनीति पॉलिटिक खेलते रहे, कुछ नहीं किया, कुछ किया ही नहीं मतलब कश्मीरों के लिए। सर कैसे लगी? अच्छी है भाई, भाई मस्त है, वो भी मज़ा आ गया देख। सर एकदम मस्त मूवी थी, दबल के रहना चाहिए आगे से। मैम कैसी लगी आपको? सर आप क्या कहेंगे? भाई मैं तो कहूँगा कि सारे हिंदुस्तान को इस सच को देखना चाहिए, सारे हिंदुस्तान को इस सच को देखना चाहिए, बस। और आगे नो स्पीच। मैम कैसी लगी? वेरी नाइस। ओके सर कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया थी, और कश्मीरी पंडितों के ऊपर दिखाई गई है, उसमें अभी तक न्याय भी नहीं मिला। बहुत सर पिक्चर तो बहुत बढ़िया लगी है, लेकिन अब टाइम आ गया है कि बस बदला लिया जाए, नहीं तो ये देश नहीं रह सकता। हिंदू हिंदू होना ही पड़ेगा, हिंदूवादी को हिंदू बनना पड़ेगा। बिल्कुल बस, बहुत बढ़िया फिल्म है भाई, मज़ा आ गया, और इसने हिम्मत की है, और ये मेरे ख्याल 100% में से 1% होगा, तो इसके ऊपर कई फिल्में बननी चाहिए, फाइलें खोल खोल के बननी चाहिए। सर एक कड़वा सच है जो दिखाया गया, जो सच्चाई थी उसको छुपाया गया, कि गवर्नमेंट उस टाइम क्या कर रही थी, सो रही थी, क्या कर रही थी, प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा था। बस ये हिंदू बन के जीना ही पड़ेगा, वरना कल ये हमें देखना ही पड़ेगा। ये जरूर अभी आग हमारे घर तक नहीं पहुंची है, इसलिए लोग मजे से जी रहे। ये 10-20 साल में ये एक एक घर में आग पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी, और फिर हर हिंदू ऐसे ही होगा। सर हिंदू बन के जीना कैसे लगी? ये मूवी नहीं है, ये हकीकत है जो अब तक हमसे छुपा रखी थी कांग्रेस के राज ने, इन्होंने जो है जब से ये हुआ 1990 से लेके अब तक छुपा के रखा था, सारा सच ये सच्चाई है। सर और साथ ही बहुत पिक्चर बहुत अच्छी बनाई है, और शायद ये पिक्चर बहुत पहले ही बन जानी चाहिए थी, और जो कश्मीरियों की बात नहीं सुनी गई आज तक, और आज भी ये गवर्नमेंट भी नहीं सुन रही, किसी ने नहीं सुनी, इस पिक्चर को देख के शायद बुद्धि आ जाए। पिक्चर बहुत अच्छी है, और इसमें जो खुलापन दिखाया गया ना कश्मीर के बारे में, वो आज तक किसी ने नहीं दिखाया, और अनुपम खेर ने और काफ़ी कमाल कर दिया, वाकई ये पिक्चर वाकई बहुत अच्छी है। इसमें सबसे ज़्यादा हमारे देश का प्रधानमंत्री पंडित नेहरू, उसका बेड़ा गर्क हो, उसी की पंडितों को नहीं बचा सका। सारी नाश की जड़ ये नेहरू था, जिसने धारा 370 लगाई थी, और वो खुद दोगला इंसान था। सारी नाश की जड़ी नेहरू था, और कोई नहीं था, एक पंडितों के पंडितों को नहीं बचा सका, लाना था उसी की परंपरा चलती आई है। आज मोदी की वजह से हम जो हैं, आज मोदी की वजह से, और जो हम देख पा रहे हैं अपनी सच्चाई, अपने इतिहास को हम सुन पा रहे हैं, सब किया अब आज मोदी की देन है, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री की देन आज। सर क्या कहेंगे? ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। सर कैसे लगी मूवी? वेरी गुड, बढ़िया, बहुत फर्स्ट क्लास। आपको कैसी? बढ़िया थी भाई, ये बहुत बढ़िया काम किया है, और हम तो कहते हैं हमारी भी उम्र मोदी जी को लग जाए, ताकि वो देश के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। हमारा क्या, हम तो खाली बैठे हुए हैं, अगर हमारी उम्र उनको लग जाएगी तो वो देश हित में काम करेंगे, हम तो ये चाहते हैं। आज मोदी जी और योगी जी अगर हिंदुस्तान को बचाने वाले हैं ना, तो दो इंसान, मोदी जी और योगी जी, भगवान करे इनकी उम्र बहुत बड़े, जिन्होंने अपने माँ को नहीं देखा, बाप को नहीं देखा, बाप मर गया उसके वहाँ गए नहीं है, इससे ज़रा और क्या त्याग होगा। आज हमें ज़रा सा पता लग जाए हमारे भाई को ये हो गया, हम आपको छोड़ के बराबर भाग जाएंगे।
वो देखो ऐसे वीडियो को। थैंक यू सर। सर कैसी लगी मूवी? बहुत बढ़िया लगी, बहुत सही थी। एक्टिंग किसकी अच्छी थी? एक्टिंग एक्चुअली थी, एक्टर का मुझे नाम पता नहीं है, एक्टिंग फिल्म वैसे बहुत बढ़िया थी। सब हाँ जी।